अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों को बता दूँ, हम आए थे टूर फैमिली के साथ। ये है मड़केरी, मड़केरी के रास्तों का व्यू, तो आप देखें और एंजॉय कीजिए। अभी हम आए हैं ना, इस टाइम बिल्कुल ठंडी नहीं थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। हम मौसम के हिसाब से यहाँ पर नहीं आए थे, बच्चों के स्कूल के हॉलीडेज थी, सोचा चलें घूम के आते हैं। तो मड़केरी भी बहुत ही ठंडी जगह है, दिन भर फॉग पड़ता है, हल्की हल्की बारिश पड़ती ही रहती है, तो ऐसा सुना था। हम भी फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं मड़केरी, तो हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है। जैसे हमारे सिटी में धूप थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा धूप थी। आप देख सकते हो, बाहर देख के समझ सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है। हमें तो थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आया मड़केरी में, धूप के मारे बहुत परेशान हुए हैं हम। गलती हमारी है, हम उस मौसम के हिसाब से नहीं आए हैं, तो होगा ही ऐसा। तो आप भी जब भी मड़केरी आने का प्लान करें तो बारिश के सीज़न में आइएगा, मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का मौसम। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल्स चेक कर रहे थे, हमने रूम चेकआउट कर दिया था मॉर्निंग में ही। अभी भी 12 o'clock बज रहे थे, तो किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वही होटल्स चेक कर रहे हैं, हमें खाना था वेज, सबको लगी है ज़ोरों की भूख। तो यहाँ पर भी पूछा तो किसी के पास सिर्फ डोसा अवेलेबल है, किसी के पास सिर्फ पूरी है। तो बहुत से बच्चे हैं, हम भी बड़े हैं, तो इतना सिर्फ एक ही वैरायटी थी, तो उतना नहीं चाहिए था हमें, बहुत सारी वैरायटीज़ चाहिए थी। तो ये पूछ के आ रहे थे भाई। हम यहाँ पर कार में बैठ के एंजॉय कर रहे थे फैमिली के साथ, तो भाई आ गए हैं, वहाँ पर भी नहीं था, तो हम फिर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। क्या आप मड़केरी आए हैं? आपको मड़केरी सिटी पसंद है जी? बहुत अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पर, टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आइएगा, लेकिन आप मौसम के हिसाब से आइएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर ऐसी ही गर्मी मिलेगी। यहाँ गर्मी में मज़ा नहीं आएगा, बारिश में अच्छा लगता है यहाँ पर, हल्की हल्की बारिश। तो आप ये देखें कितने सारे एनिमल्स हैं, आर्टिफिशियल बना के रखे हैं ऐसे सेल करने के लिए। मड़केरी में कोकोनट ऑयल फेमस है, प्योर मिलता है यहाँ पर, और सारी रेसिपीज में वो कोकोनट ऑयल से ही पकाते हैं। आप जिस भी होटल में चले जाओ, वहाँ पर आपको कोकोनट ऑयल की ही स्मेल आएगी रेसिपीज में। तो उन लोगों को तो आदत है खा के, हमें आदत नहीं है। यहाँ का खाना हमें उतना पसंद नहीं आया, तो हम रास्ते से जा रहे थे तो इस तरीके की हमें ब्रिज दिखाई दी, तो हम यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है। तो सब लोग जाके देख रहे थे टूरिस्ट, तो हम भी जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। आप देखिएगा बच्चों के हम हाथ वाथ से पकड़ लिए हैं सब लोगों को, क्योंकि पानी है, कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बच्चों का क्या है, खुशी के मारे वो डायरेक्ट जाके कूद देते हैं पानी को देखते ही, क्योंकि हमारे बच्चों को पानी बहुत पसंद है। कुछ भी देखेंगे नहीं, वो खाई वाई कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधे जंप करेंगे। तो इसीलिए सब बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने बच्चों को पकड़ लिया है। तो हम जा रहे हैं ब्रिज पर। वाओ, अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू। ये कावेरी नदी है, तो ये देखें दूसरे साइड से पानी बहता हुआ आ रहा है। अच्छा लग रहा था यहाँ पर, हमने फोटोस वीडियोस क्लिक की, सुकून वाली जगह थी। तो हमने सारा ब्रिज क्रॉस नहीं किया है, उधर दूसरे साइड एक गांव है, तो वहाँ के लोग यहाँ इस ब्रिज से आते जाते रहते हैं, तो हमने पूरा ब्रिज क्रॉस नहीं किया। वापस से हम जा रहे हैं अभी, चलिए चलते हैं।
टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आप ये देखिए चार्ट्स लगाए हैं इन्होंने इस तरीके से, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं नाम के साथ, कितने किलोमीटर्स हैं, कहाँ पर है, सारा कुछ एड्रेस लगा के सारे दीवारों पर इन्होंने चिपका दिया है। तो अच्छा आइडिया लगा मुझे, टूरिस्ट को इस तरीके से हेल्प भी मिल जाएगी और बहुत सारे प्लेसेस के एड्रेस भी मिल जाएंगे। हमने ऑर्डर दे दिया था, वेट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर का। यहाँ पर आपको पीने के लिए गरम गरम पानी दिया जाता है, अगर आपको चाहिए तो आप बिस्लेरी भी खरीद सकते हो। हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी चल रहे हैं दूसरी तरफ घूमने के लिए। हम एंटर हो चुके हैं दुबारी कोरक, तो ये एक प्लेस का नाम है यहाँ पर, तो वहीं जा रहे हैं हम। यहाँ पर हाथियों की सवारी रहती है, बच्चों को हाथियों पर बिठा सकते हैं और यहाँ पर बोटिंग भी है। तो हमने यहाँ पर कार पार्किंग के लिए वो जो बिल होती है ना वो ले लिया है, तो अभी चलेंगे कार पार्क करने के लिए। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग और बोट तो अवेलेबल थी, लेकिन हाथियों पर जो बैठते हैं ना उसकी अलग टाइमिंग होती है, 4 o'clock टू 7 o'clock शाम के, फिर मॉर्निंग से 9 o'clock टू 11 o'clock, हमें पता नहीं था। अभी हो रहे थे 2 o'clock, जो हाथी राइड होती है ना वो तो नहीं मिलेगी हमें, बोटिंग और हॉर्स राइडिंग थी। हॉर्स राइडिंग तो ऊटी में ही करवा लिया था हमने, सारे बच्चों को बिठा लिया था, इसलिए सारे बच्चे मना कर रहे थे बैठने के लिए। आपको यहाँ पर शॉपिंग के लिए बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत महंगे हैं। अलग से शॉपिंग के लिए मड़केरी में अलग जगह है, तो वहाँ पर जाके शॉपिंग करने से डिस्काउंट और कम प्राइस में हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप जब भी यहाँ पर आते हो ना, यहाँ से शॉपिंग नहीं करना, अपनी सिटी से शॉपिंग करना है आपको, जो रियल प्राइस होता है उस प्राइस से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्यों यहाँ पर आके पैसे वेस्ट करना शॉपिंग पे। घूमने आते हैं तो अच्छे से घूम फिर के जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी में बोट लेके आ रहे हैं ये, तो यहाँ पर था स्कैरी हाउस, बहुत सारे शॉपिंग के दुकान। यहाँ पर था इस जगह का नाम, तो सब लोग यहाँ पर खड़ के देख रहे थे, इस जगह का नाम है ये आई लव कोरक दुबारी। तो यहाँ पर इस बोट पे सब लोग खड़ के फोटोज खिंचवा रहे थे। यहाँ थी बोटिंग, सब लोग कैसे देखे बोटिंग कर रहे हैं, हम तो इतने डेंजरस स्टोरी सुनते आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम नहीं करेंगे बाबा, हमें तो डर लग रहा था देख के ही। हम बड़े थे, 4 members, बच्चे ही ज़्यादा थे, बच्चों को अलाउड नहीं था, तो बच्चों को कहाँ पर छोड़ के जाएं न्यू सिटी में, इसीलिए किसी ने बोटिंग नहीं की। यहाँ पर पी रहे थे गन्ने का जूस, प्राइस सुनिए आप, 50 rupees का एक ग्लास है। टूरिस्ट को कैसे लूट रहे हैं देखें यहाँ के लोग, तो हमें तो पसंद नहीं आया इनका प्राइस, 50 rupees एक कप कहीं भी नहीं है इस तरीके का प्राइस। तो हमने वहाँ से देखे, यहाँ से निकल गए हैं दूसरी तरह जाने के लिए, चलते हैं अभी स्कैरी हाउस। तो यहाँ पर ना घर बड़े प्यारे हैं फ्रेंड्स, बहुत प्यारे और बहुत बड़े बड़े बंगलो हैं यहाँ के मड़केरी में। केरला साइड आपको घर बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, सारे बंगलो होते हैं और दूर दूर स्पेस छोड़ छोड़ के बनते हैं वो पता नहीं क्यों। तो हम आ गए हैं स्कैरी हाउस, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बच्चों के गेम्स हैं, एक्टिविटी हैं, तो वही हम इन्हें करवाएंगे बच्चों को। अरफान देखे कैसे खेल रहा है इनसे, ये फर्स्ट टाइम देखा है ना मेरा बेबी, इसीलिए वो देख देख के खुश हो रहा था। तो यहाँ पर हैं हमारे फेवरेट कार्टून्स, मोटू पतलू और कृष्णा और वो जो बीच में खड़ी है उसका नाम मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे ज़्यादा मोटू पतलू ही देखते हैं तो उन्हीं का नाम आता है मुझे। तो सारे बच्चे यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। यहाँ पर आपको मैं प्राइस दिखा देती हूँ, हॉरर हाउस का 100 rupees, VR गेम्स, कार राइडिंग, सब चीज़ों का 100 rupees है प्राइस यहाँ पर, एंट्री टिकट 50 rupees है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर थे स्पाइडरमैन, हमारे फेवरेट, बच्चों के फेवरेट, तो उन्हीं के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। यहाँ थे भीम, तो इनके साथ देखें अरफान कैसे खड़े हैं उनका डंडा पकड़ते हुए। तो यहाँ पर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चों के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, तो हमने वही बच्चों की मर्जी के हिसाब से उन्हें करवा रहे थे।
जहाँ पर सिर्फ बच्चों की ही एक्टिविटीज है, हमारे लिए है सिर्फ स्कैरी हाउस। तो चलिए चलते हैं स्कैरी हाउस के अंदर, आप भी आइए मेरे साथ। तो ये देखिए हम एंटर हो चुके हैं। इतनी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही थी, इतनी ड्राउनी आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ सुन के ही डर लग रहा था। कहीं से कुछ आ रहा था सामने, और एकदम से हवाएं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई टच करके जा रहा है हमें, तो ऐसा लग रहा था। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे थे। तो ये देख सकते हो इतने क्लीन से नहीं दिख रहा है आपको, फिर भी जितना दिख रहा है उतना देख के एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स। सब लोगों की बत्ती गुल हो गई थी एंटर होते ही। हम अनौशा सबसे बड़ा भूत होगी ना गे। स्कैरी हाउस में चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी फ्रेंड्स आपको, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही प्ले करी थी, सारा मैंने म्यूट कर दिया था। तो ये देखें बच्चे यहाँ पर वीडियोस क्लिक करवा रहे हैं। समत की फेस चेक करें फ्रेंड्स आप, ये देखें फेस कैसे करता है वो भी। बच्चों के काम देखिए। तो चलिए चलते हैं। ये है वेलकम करने के लिए, इस तरीके से कैप पहन के एक आदमी खड़ा हुआ था। अरफानी से देख के डर रहा था, तो ये सब लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, हैंडशेक दे रहे थे। तो ये देखें जी कितने हेल्प करते हैं ये लोग बच्चों को खुश करने के लिए, हमें इम्प्रेस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच है इन सब लोगों का। तो इन्हें कैसे लगता होगा ना इतना हैवी पहन के ये 24 आवर्स ऐसे ही बैठते हैं, सब लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो हम यहाँ से निकल चुके थे, हो गई थी सारी एक्टिविटीज़। तो चलिए चलते हैं अभी दूसरी प्लेस में घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हर एक टाइप के एनिमल बनाया हुआ है इन्होंने आर्टिफिशियल। तो सब लोग यहाँ पर रुक के फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करवा रहे थे, बहुत अच्छा लगा ना फ्रेंड्स। देखिए कितने रियल लग रहे हैं सारे एनिमल्स। मड़केरी में आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा मिट्टी से बने हुए शोपीसेस, हम जो खाना बनाते हैं उस तरीके के पैन्स, कढ़ाई, और जो हम फ्लावर्स डालते हैं ना गमले, उस तरीके के वो सारी चीज़ें मिट्टी से बनाई हुई हैं। बहुत सारे शॉप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वेराइटी के यहाँ पर शो पीसेस देखने को मिलेंगे मिट्टी के। हमें दूर तक ट्रैवल करना है, बच्चे भी साथ हैं, इतनी दूर कैसे लेके जाएं, टूट जाएंगे, इसलिए हमने नहीं ख़रीदा, सिर्फ देख के ही हमें अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए जी कितने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये था जी यहाँ का व्यू। अभी हम दूसरी प्लेस में जा रहे हैं घूमने के लिए, हमें कुछ शॉपिंग भी करना है। आप व्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पर ना जो सुपारी के ट्रीज होते हैं वो भी ज़्यादा हैं, कॉफ़ी के ट्रीज हैं यहाँ पर ज़्यादा, हरा भरा है फ्रेंड्स। मड़केरी में आप कहीं भी चले जाओ आपको ग्रीनरी देखने को ज़्यादा मिलेगी आपको। और यहाँ पर हम जो कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं गरम मसाले, वो भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सारा कुछ प्योर मिलता है यहाँ पर गरम मसाले। तो यहाँ पर हम दूसरी प्लेस में आए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर कार पार्क कर रहे हैं, पार्किंग में देखिए कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, कितने कार, बस, वैन, सारे कुछ। तो हम यहाँ पर अभी पार्क करके चलेंगे अंदर। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन महंगा ज़्यादा है। जो भी अच्छे पैसे वाले हैं वो ले सकते हैं, दूसरे इतना नहीं ले सकते। तो यहाँ पर भी था हॉर्स राइड, हॉर्स देखें वाइट कलर में कितना प्यारा लग रहा है। गरम मसाले जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही सस्ते हैं, रीजनेबल प्राइस में हर एक वेराइटी और हर एक चीज़ मिल जाएगी गरम मसाले आइटम्स में। तो हम यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, तो वही देख रही थी। ये सारे हैंड वर्किंग है पर्स, तो यहाँ पर पर्स भी फेमस है, यहाँ के डिज़ाइन से अलग होते हैं मड़केरी के पर्स की। तो आप ये देख सकते हैं जी हैंड बैग्स कैसे हैं।
तो हमें चलते हैं अंदर। आप देखिएगा यहाँ पर शो पीसेस, देखें कितने अलग अलग वेराइटीज़ हैं यहाँ पर, जो हम कार में रखते हैं ना वो सारे हैं ये शो पीसेस कार में रखने के। अलग अलग डिज़ाइन, हर एक टाइप की वेराइटी थी शो पीसेस की। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं लकड़ी के मग्स, कप्स और बोल्स, सारा कुछ यहाँ पर थे। हैंड पर्स, हमें हैंड पर्स चाहिए था यहाँ के एक मेमोरी के लिए। वैसे तो बहुत पड़े हैं लेकिन एक मेमोरी के लिए हम लेना चाहते थे यहाँ की एक चीज़। तो क्या लें सोचे, तो पर्स ही ले लेते हैं। क्या तब करेंगे, जा रहे हैं तुम्हें ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಬಡಿ ಛೋಟಿ ಬಲ್ಲಾಕೆ ಬಡಿದೆ ಬಡಿ ಲೇಚು ಅಬ್ ಐಸಾ ಕಾಂತ ಬಯಗೆ ತೋ ಬಡೆ ನೀ ಛೋಟೆ ಬಲ್ಲಾಕೆ ಹಿಮಾ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಮಿಲೆ ತೇ ಛಚನ್ ಛೋಟೆ मुझे बड़े कान तक गए तो फील था तो सो क्या होना सर, क्या होता उससे क्या भी ये नहीं जी हमारे मड़केरी का व्लॉग। अभी आगे और प्लेसेस जाएंगे, आपको मैं कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।